Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of societal impact. So let us start with the first question. Differentiate between the active digital footprint and passive digital footprints. आपको active digital footprint and passive digital footprint का difference बताना है. Active digital footprints. अब देखो digital footprint क्या होता है. Digital footprint is the impression, वो impression या वो marks जो आप क्या करते हो इंटरनेट पे क्रिएट करते हो. जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका डेटा क्या होता है इंटरनेट पे जाके सेव हो जाता है, राइट? आपकी हैबिट्स वहाँ पे जाके सेव हो जाती है कि आप किस तरह का डेटा सर्च करते हो, आप कौन से वेब पेजेस को सर्च करते हो, आप मतलब कौन सा ऑनलाइन वर्क करते हो, राइट? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट. फाइन. तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड डेटा डेट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा इंक्लूड करता है जो आप इंटेंशनली ऑनलाइन सबमिट करते हो, डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो, राइट? दिस वुड इंक्लूड ई मेल्स वी राइट. तो इसमें क्या क्या आता है? आप जो ई मेल्स इंटेंशनली सेंड करते हो, और रिस्पॉन्सेज और पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स. और वो पोस्ट आती है जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हो. जैसे आप फेसबुक का एग्जाम्पल ले लो, आप फेसबुक पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, वीडियोज़ अपलोड करते हो, राइट? या मोबाइल ऐप्स जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस क्या करते हो अपलोड करते हो. फाइन. तो ये क्या है? ये सारा काम आप एक्टिवली कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, आप जानते हो कि आप ये सब कर रहे हो. फाइन. तो इसको कहा जाता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. सेकेंड है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. द डिजिटल डेटा ट्रेल. ट्रेल मीन्स इम्प्रेशन, निशान, चिन्ह, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली. वो इम्प्रेशन जो आप ऑनलाइन अनइंटेंशनली छोड़ देते हो इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. उसको पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कहा जाता है. दिस इंक्लूड्स द डेटा जनरेटेड व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट. आपने कोई वेबसाइट विजिट की, तब क्या होगा? वो कैसे काउंट होगा? वो एज अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट काउंट होगा. यूज़ मोबाइल ऐप, आपने मोबाइल ऐप कोई भी यूज़ की, आपने इंटरनेट ब्राउज किया, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि आप किस किस टाइप की वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, आप इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे हो. फाइन. तो वो इम्प्रेशन क्या होगा? आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. यहाँ पे आप नहीं जानते हो कि जो भी सर्चिंग आप कर रहे हो वो कहीं जाके सेव हो रही है. फाइन. तो ये आपके लिए क्या है? आप अनइंटेंशनली डेटा को सेव करा रहे हो. तो इसको क्या कहा जाएगा? पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको पता होता है कि आप इंटेंशनली अपना डेटा अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, बट पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको नहीं पता होता कि आपका डेटा जो भी सर्चिंग है, ब्राउजिंग है, वो कहीं पर जाके सेव हो रहा है, राइट? Now, list any four benefits of e-waste management. आपको e-waste management के benefits बताने हैं. फर्स्ट वन इज सेव द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर आप ई वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, तो क्या होगा? ये एनवायरनमेंट को सेव करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेगा. जैसे क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बर्न किया तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा. उनको आपने अगर डंप किया लैंडफिल्स में तो क्या होगा? आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन होगा. तो यहाँ पर अगर उनका अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो आपका एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे. अलाउ फॉर रिकवरी ऑफ प्रीसियस मेटल्स. अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें बहुत सारे मेटल्स का यूज़ किया जाता है जो काफ़ी प्रीसियस भी होते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करो ई वेस्ट का, तो आप उसमें से प्रीसियस मेटल्स को निकाल सकते हो और उन मेटल्स का आप फर्दर यूज़ भी कर सकते हो. प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी. जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो पब्लिक हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को और वाटर की क्वालिटी को. आप अगर उनको लैंडफिल्स में डंप कर दोगे तो क्या होगा? वो जो जितना भी इंटरनल वाटर होगा, राइट, ग्राउंड का वाटर होगा, उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स और वो क्या होगा? उसको पॉल्यूट कर देगा, राइट? बट अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? आप वाटर की क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. सेव्स लैंडफिल स्पेस, राइट? लैंडफिल क्या होता है? एक एरिया होता है जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल बरी करते हो, मतलब उसके अंदर आप दबा देते हो. तो अगर आप ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लैंडफिल स्पेस बचा रहे हो आप अपना, ठीक है? आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लैंडफिल के अंदर नहीं डालना पड़ेगा. फाइन. मेंशन एनी फोर नेट एटिकेट्स। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 4 नेट एटिकेट्स बताने हैं। नो कॉपीराइट वायलेशन, आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको खुद का मटेरियल बना के आपको फर्दर यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। शेयर द एक्सपर्टीज़ विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई स्किल है, नॉलेज है, आपको इंटरनेट पर वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ओके। अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी चाहिए। साइबर बुलिंग क्या होता है? इंटरनेट का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूसरों को हैरेस करना, थ्रेटन करना, एम्बेरेस करना, राइट। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी, दूसरों की प्राइवेसी और डाइवर्सिटी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। आपको किसी के जेंडर पे या क्लास पे या रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए वाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट, ओके। नो, प्रियंका इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक अ फ्लाइट टिकट, ओके। प्रियंका क्या कर रही है? इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रही है फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लीविंग अ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? चिन्ह, निशान। और वेब एक्टिविटीज कैरिड बाय हर, ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये एग्जाम्पल है क्या? इंटरनेट पर निशान छोड़ने का, अपनी वेब एक्टिविटीज से ट्रेल छोड़ने का, ओके। व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी? इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? व्हाट इज़ द रिस्क इन्वॉल्व बाय सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़? और इस तरीके की एक्टिविटी में कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, राइट। कौन से रिस्क आ सकते हैं, ओके। तो इन शॉर्ट क्या है? प्रियंका ने इंटरनेट की हेल्प से फ्लाइट टिकट बुक कराई है, तो यहाँ पर उसने क्या किया है? एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट किया है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ओके। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, ये एक्टिविटी को क्या कहा जाता है और इस एक्टिविटी को करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। इसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। अब रिस्क इन्वॉल्व क्या है? इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, ईमेल्स वी सेंड। अब यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड कर रही है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो और जो भी ईमेल्स आप सेंड कर रहे हो, एंड एनी इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन। अब और जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ, लोकेशन के साथ और अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, और अपने डिवाइस की और भी डिटेल्स आप दे रहे हो। सर्च डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। अब इस डेटा का यूज़ एडवर्टाइजर्स कर सकते हैं और कुड ऑल्सो भी मिस यूज और एक्सप्लॉइटेड, और दूसरे लोग भी कर सकते हैं, फाइन। अगर आपकी लोकेशन पता चल रही है, आपका आईपी एड्रेस पता चल रहा है आपके डिवाइस का, और आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स पता चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, एक तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट क्या है? जिस टाइप की आप वर्क कर रहे हो इंटरनेट पे, ओके। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो प्रियंका है वो फ्लाइट का टिकट बुक करा रही है, तो उसके पास आ सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ का आ सकता है, कि हॉलीडेज़ के लिए आ सकता है या फ्लाइट टिकट्स कंपनी का आ सकता है, ओके तो यहाँ पे और कुड ऑल्सो भी मिस यूज, और यहाँ पे क्या है? उसकी जो आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का वो भी मिस यूज़ हो सकता है, उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं जो इन्वॉल्व हैं, फाइन। नो, लिस्ट एनी 2 हेल्थ हजार्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो उसमें कौन से हेल्थ हजार्ड्स, मतलब कौन से आपकी हेल्थ को कौन से नुकसान हो सकते हैं, ओके। द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन्स एक्सेट्रा कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ हजार्ड्स इफ़ नॉट एड्रेस। तो यहाँ पे जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन, तो उससे बहुत सारे आपके हेल्थ को नुकसान पहुँच सकते हैं। इसमें से आपको 2 लिखने थे, आई थिंक आप यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ओके। आप अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 2 लिखो, 3 मार्क्स का आता है 3, एंड 4 मार्क्स का आता है तो 4, ओके। फर्स्ट वन क्या है? इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट। सबसे ज़्यादा आपकी बोन्स एंड जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या? क्योंकि आप किसी भी रॉन्ग पोस्चर में लेट के, बैठकर क्या करते हो? अपने डिवाइसेस को यूज़ करते हो, ठीक है। रॉन्ग पोस्चर और लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, ओके तो इससे क्या होगा? कैन कॉज मसल और बोन इंजरी। इससे आपकी मसल इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है। राइट तो अगर आप लैपटॉप्स या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको ये देखना है आपका पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और लॉन्ग आवर्स में ना हो। ओके आपको शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए। राइट इम्पैक्ट ऑन हियरिंग। ओके यूजिंग हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम, मतलब बहुत देर के लिए अगर आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ करते हो एंड ऑन हाई वॉल्यूम और उसके अंदर वॉल्यूम आपका हाई होता है कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स। इससे आपको हियरिंग की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके एंड इन सीवियर केसेस हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, और अगर सीवियर केस है तो आपकी सुनने की क्षमता भी जा सकती है। ओके इम्पैक्ट ऑन आइज, इसका आइज पे भी इम्पैक्ट होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्थ हजार्ड एज प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन लीड टू एक्सट्रीम स्ट्रेन ऑन द आइज। जितना ज़्यादा आप लैपटॉप फोन्स इनको यूज़ करते हो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी आइज पे पड़ता है। ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपकी आइज पे। ओके और ये आपके आइज के रेटिना को बहुत इम्पैक्ट करता है। फाइन। Now sleep problem. Bright light from the computer devices block a hormone called melatonin which help us sleep. ओके तो जो कंप्यूटर की अगर स्क्रीन है उस पर आप जो उसकी जो स्क्रीन पे लाइट है वो बहुत क्या है ब्राइट है, या आपके फ़ोन की लाइट बहुत ब्राइट है तो उससे क्या होगा, ये आपके एक हार्मोन को क्या करता है ब्लॉक करता है। वो हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन आपको स्लीप में हेल्प करता है, बट अगर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, आपको स्लीप में प्रॉब्लम आएगी। ओके दस वी कैन एक्सपीरियंस स्लीप डिसऑर्डर्स लीडिंग टू शॉर्ट स्लीप साइकिल्स। तो इससे क्या होता है, हमारी स्लीप में प्रॉब्लम आती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो शॉर्ट स्लीप साइकिल हो जाती है। आप मुश्किल से सो पाते हो और छोटे छोटे टाइम पे आपकी जो नींद है वो ब्रेक होती है। ओके नो सीमा received an email from her bank stating that there is a problem with her account. सीमा को एक ईमेल आया है बैंक की तरफ से कि उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। ओके The email provides instructions and a link by clicking on which she can log on to her account and fix the problem. उस ईमेल में क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है और एक लिंक दिया हुआ है और सीमा से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करके वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। हेल्प सीमा by telling her the precautions she should take when she receives these type of email. तो आपको यहाँ पे सीमा को बताना है कि अगर उसको इस टाइप के ईमेल्स आते हैं तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके No, she should check whether it is a valid bank site or not by checking in the URL HTTPS. तो सबसे पहले तो उसे देखना है कि जो ये मेल आया है वो क्या वैलिड वेबसाइट से आया है, क्या उसके URL में, उसके वेब एड्रेस में HTTPS लिखा हुआ है, एस फॉर सिक्योर। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टाइप द URL। और कभी भी आप किसी लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे ना जाएं। अगर आपके बैंक की तरफ से कोई भी मेल या कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे, बैंक का कंप्लीट URL टाइप करेंगे, उसके बाद जो पेज आएगा उसमें आप लॉग इन करेंगे। ओके शी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल। वो ईमेल के लिंक को क्लिक ना करे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राइट नाउ मेंशन एनी फोर कम्युनिकेशन एटिकेट्स विच वन शुड फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कौन से कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉलो करने हैं। ओके वन शुड बी प्रिसाइज इन कम्युनिकेशन ऑन द वेब। अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपके कन्वर्सेशन में क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज मीन्स क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसका मतलब मीनिंग कुछ भी नहीं है। ओके नाउ वन शुड बी पोलाइट इन द कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना है, हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। वन शुड रिस्पेक्ट द डेटा लिमिट्स। ओके और आपको दूसरा पर्सन है आपके साथ कितना डेटा शेयर करना चाहता है, आपने कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके वन शुड बी क्रेडिबल। ओके क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपको कोई बिलीव कर सके, आपकी बातों पे बिलीव कर सके। ऐसा ना हो कि आप बात करो और आपकी बातों से कोई दूसरा इंसान क्या हो जाए, उसको अच्छा ना लगे। ओके और वो आप पे बिलीव ना करे। फाइन रिचा रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग हर सोशल मीडिया अकाउंट। रिचा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है। विद इन अ फ्यू डेज शी रीफ्रेंड मैनी पीपल शी नोज। कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत सारे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप होगी जिनको वो जानती थी, एंड सम डैट शी डज नॉट नो, और कुछ जिनको वो नहीं जानती थी। आफ्टर सम टाइम शी स्टार्ट्स गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हर पोस्ट। कुछ टाइम के बाद उसको अपनी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे। शी ऑल्सो फाइंड्स दैट हर पिक्चर्स आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन विदाउट हर परमिशन। उसे ये भी पता चला कि उसकी पिक्चर्स को ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है बिना उसकी परमिशन के। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम शी इज अ विक्टिम ऑफ। आपको बताना है कि उसके साथ किस तरीके का साइबर क्राइम हुआ है। नाउ शी इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। वो साइबर बुलिंग की विक्टिम है। ओके, जब आप टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का यूज करके किसी को थ्रेटन करते हो, हैरेस करते हो, एम्बेरेस करते हो या किसी को टारगेट करते हो, तो कौन सा क्राइम होता है? वो होता है साइबर बुलिंग, राइट। अंडर विच एक्ट शी कैन लॉज अ कंप्लेंट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। वो किस एक्ट के अंदर कंप्लेंट को लॉज कर सकती है, राइट। तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या फिर आप उसको IT एक्ट कह सकते हो, जो साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ डील करता है। फाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो भी लेन देन होता है इंटरनेट पर, जो भी व्यापार होता है। फाइन, suggest her any two precautionary measures which she should take in future while being online to avoid any such situations. आपको दो precautionary measures उसको बताने हैं जो उसको follow करने चाहिए while she is online, जब वो online होती है। okay? Need to be careful while befriending unknown people on the internet. उसे अननोन पीपल के साथ फ्रेंडशिप करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। ओके, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। फाइन, नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फाइन, Mention any three health hazards associated with the inappropriate and excessive use of gadgets. आपको बताना है कि जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो आपको कौन से हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को कौन से नुकसान हो सकते हैं। आई स्ट्रेन, सबसे ज़्यादा आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। ओके, आपके रेटिना के लिए वो हार्मफुल होता है। पेनफुल मसल्स एंड जॉइंट्स, आपके मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है। पुअर मेमरी, आपकी मेमरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप, आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं। बैक पेन एंड नेक पेन, इससे आपको बैक पेन और नेक पेन भी होता है, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म क्या होता है? व्हाई इट इज पनिशेबल ऑफेंस? ये पनिशेबल ऑफेंस क्यों है? मेंशन एनी टू वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आपको दो तरीके बताने हैं जिससे आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। नाउ प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टीलिंग समवन एज इंटेलेक्चुअल वर्क और आइडियाज एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। प्लेजरिज्म क्या है? जब आप किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करते हो। इंटेलेक्चुअल वर्क वो वर्क जो किसी ने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके बनाया है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बनाया है, अपने दिमाग को यूज़ करके बनाया है। जब आप किसी और के आइडियाज़ को और किसी और के वर्क को यूज़ करके, मतलब स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करते हो, तो वो क्या होता है? प्लेजरिज्म होता है। ओके, इन अदर वर्ड्स प्लेजरिज्म इज अ फेलियर इन गिविंग क्रेडिट टू इट सोर्स। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, आप किसी और की चीज़ को यूज़ कर रहे हो लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप उसका क्रेडिट नहीं दे रही हो। ओके, प्लेजरिज्म इज अ फ्रॉड, इसको फ्रॉड माना जाता है। एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन भी माना जाता है। फाइन, सिंस IPR होल्ड्स अ लीगल एंटिटी स्टेटस, वायलेटिंग इट्स ऑनर्स राइट इज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, राइट। तो प्लेजरिज्म क्या है? एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है जिसके अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एनी टू वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म आर, तो यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं। बी ओरिजिनल, अपना खुद का क्रिएटिव वर्क आप यूज करें। ओके, अपना खुद का माइंड यूज या इंटेलेक्चुअल वर्क आप यूज करें। ओके, साइट और एक्नॉलेज द सोर्स, अगर आप किसी और का वर्क ले रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, ये वर्क किसका है। ओके, नादर है रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी एंड स्कूल। नादर ने एक न्यू सिटी और स्कूल में एडमिशन लिया है। न्यू सिटी में वो शिफ्ट हुई है, उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है। शी डज नॉट नो मैनी पीपल इन हर न्यू सिटी एंड स्कूल। वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती है अपनी सिटी में और स्कूल में। बट ऑल ऑफ सडन समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव डी मीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल। लेकिन सडनली उसकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं, डी मीनिंग कमेंट्स आने लगे हैं। ओके, शी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम द अननोन पीपल. उसे अननोन पीपल से रिपीटेड मेल्स भी आ रहे हैं. एवरी टाइम शी गोज ऑनलाइन शी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन. जितनी बार वो ऑनलाइन जाती है उसे लगता है कोई उसको फॉलो कर रहा है, चेज कर रहा है. ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग टू नादर? नादर के साथ क्या हो रहा है? नादर हैज बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग. यहाँ पे नादर को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है. ओके, उसके साथ क्या हो रहा है? साइबर बुलिंग हो रही है, राइट? उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है. साइबर स्टॉकिंग, उसको स्टॉक किया जा रहा है, राइट? उसको ऑनलाइन फॉलो किया जा रहा है, राइट? व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड शी टेक टू हैंडल इट? उसे क्या एक्शन लेना चाहिए? शी मस्ट इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हर पेरेंट्स. उसे इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहिए एंड स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए. शी मस्ट रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम टू लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स. उसको इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी चाहिए लोकल पुलिस में अपने पेरेंट्स की हेल्प से, फाइन? Is there any law in India to handle such issues? तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ है इस तरीके के इश्यूज को हैंडल करने के लिए? Yes, we have ITA 2000 to handle such type of issues. Okay, ITA 2000 deals with the cyber crime and electronic commerce. Fine. Now, what do you mean by identity theft? Explain with the help of example. Identity theft क्या होता है? Identity theft जब आप किसी और के identity को steal करके, ठीक है, मतलब आप किसी और की पहचान लेके जब कोई crime करते हो तो उसे identity theft कहा जाता है. Identity theft is the crime of obtaining the personal or financial information of another person. Identity थेफ्ट क्या है? किसी और की पर्सनल एंड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, लेना, फॉर द सोल पर्पस ऑफ एज्यूमिंग दैट पर्सनस नेम, जिससे कि आप उस पर्सन का नाम यूज कर सकें, उसकी आइडेंटिटी यूज कर सकें, टू मेक ट्रांजेक्शंस करने के लिए, और यूज इट टू पोस्ट इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स, या फिर इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स को पोस्ट करने के लिए, कमेंट्स को करने के लिए, फाइन? मतलब कि आप यहाँ पे किसी और, जैसे यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, रीमा एंड सीमा, तो अगर सीमा रीमा बनके ये सब काम करे तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, फाइन? ओके, जैसे एग्जांपल देखो, एलेक्स लाइक्स टू डू हिज होमवर्क लेट एट नाइट. एलेक्स को अपना होमवर्क लेट नाइट करना बहुत पसंद है. ही यूजेस इंटरनेट अलॉट, वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है. एंड ऑल्सो सेंड्स यूजफुल डेटा थ्रू ईमेल टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो बहुत सारा यूजफुल डेटा भी सेंड करता है अपने दोस्तों को ईमेल की हेल्प से. ओके, वन डे ही फॉरगॉट टू साइन आउट हिज ईमेल अकाउंट. एक दिन वो अपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट करना भूल गया. इन द मॉर्निंग हिज ट्विन ब्रदर फ्लेक्स स्टार्टेड यूजिंग द कंप्यूटर. नेक्स्ट मॉर्निंग उसके ट्विन ब्रदर फ्लेक्स ने उसका कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट कर दिया. ही यूज्ड फ्लेक्स ईमेल अकाउंट टू सेंड इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस टू हिज कॉन्टैक्ट्स ओके, तो फ्लेक्स ने क्या किया? एलेक्स का जो अकाउंट था उसको यूज किया, और जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स थे अकाउंट के अंदर उनको गलत मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए. तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जाम्पल है. यहाँ पे फ्लेक्स एलेक्स बनके लोगों को इनएप्रोप्रिएट मैसेज सेंड कर रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? ये एलेक्स ने सेंड किए हैं. ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. नो, What do you understand by net etiquettes? Net etiquettes क्या होता है? Explain any two such etiquettes. आपको ऐसे दो etiquettes बताने हैं. Net etiquettes refers to the proper manners and behavior we need to exhibit while being online. Net etiquettes वो manners हैं, वो behavior हैं जो आपको show करना चाहिए जब आप online होते हैं. Okay? These includes no copyright violation. आपको copyright violation नहीं करना चाहिए. We should not use copyrighted material without the permission of the creator or owner. आपको किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का यूज करना नहीं चाहिए अगर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, उस कॉपीराइटेड मटेरियल के क्रिएटर या ओनर के, फाइन? वी शुड गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ओनर्स और द क्रिएटर्स ऑफ ओपन सोर्स कंटेंट व्हेन यूजिंग देम. अगर आप जो भी कंटेंट अवेलेबल है, फाइन, उसको ओपन किया गया है सो दैट यू कैन यूज दैट कंटेंट. अगर आप ओपन सोर्स कंटेंट को यूज कर रहे हो, इस सिचुएशन में आप उसको यूज करते टाइम ऑनर्स को, उसके ऑनर को, उसके क्रिएटर को पूरा क्रेडिट दें, उसको एक्नॉलेज करें, फाइन? अवॉइड साइबर बुलिंग. आपको साइबर बुलिंग को अवॉइड करना चाहिए जब आप ऑनलाइन होते हो. अवॉइड एंड इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर. आपको इंटिमिडेटिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग, मतलब आपको ना तो किसी को थ्रेटन करना चाहिए, ना ही किसी की इंसल्ट करनी चाहिए. ओके, लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर्स, आपको र्यूमर्स को पोस्ट नहीं करना चाहिए. गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन थ्रेट्स नहीं देनी चाहिए. पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए. और कमेंट्स, और ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जो क्या करते हैं? एम्ड टू पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम, जो किसी भी पर्सन का मजाक उड़ाए, है, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए. ओके नाउ Imagine a scenario where an individual Alex is concerned about his online privacy. यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए कंसर्न है. Alex has a social media presence and frequently post update photos, comments on various platform. Alex क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता है, फोटोज अपलोड करता है, कमेंट्स करता है प्लेटफॉर्म पर. एडिशनली फ्लेक्स फ्रिक्वेंटली यूजेस मोबाइल ऐप्स एंड विजिट वेबसाइट्स फॉर शॉपिंग एंड इन्फॉर्मेशन. इसके साथ वो क्या करता है, मोबाइल ऐप्स को भी यूज करता है, वेबसाइट्स को भी यूज करता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके Now explain the concept of active digital footprint, providing examples from the Alex online activities. अब इतनी सारी activities में से आपको बतानी है कि वो कौन सी active digital footprint, यहाँ पे कौन सी activities के हेल्प से वो active digital footprint create कर रहा है. ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं, वो इंप्रेशंस होते हैं जो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इंटेंशनली क्रिएट करता है, जैसे अपनी फोटोज को अपलोड करना, वीडियोस को अपलोड करना, ईमेल को सेंड करना. तो वो कौन से इंप्रेशंस होते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. ओके तो एलेक्स एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इंक्लूड्स एक्शंस लाइक पोस्टिंग फोटोज. तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में कौन से एक्शंस है, फोटोज को पोस्ट करना, कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स करना, मेकिंग हिज इंटेंशनल ऑनलाइन एक्टिविटीज विजिबल टू अदर्स. और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को दूसरों के लिए विजिबल रखना, जैसे कोई भी फोटो अपलोड की उसको क्या किया है, पब्लिक कर दिया है, वीडियो अपलोड किया उसको पब्लिक कर दिया है, तो ये क्या है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. ओके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल इंटेंशनली करता है. ओके नाउ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. अब इनमें से कौन सी जो उसकी एक्टिविटीज है वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है, जो वो क्या करता है, अनइंटेंशनली करता है, उसे नहीं पता होता है कि उसका डेटा कहीं जाके सेव हो रहा है. ओके एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज जनरेटेड इन एलेक्स ऑनलाइन इंटरेक्शन. आपको बताना है कि वो कैसे, जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है वो कैसे जनरेट होते हैं. ओके एलेक्स पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड व्हेन वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स कलेक्ट डेटा अबाउट हिज ब्राउजिंग हैबिट्स. अब देखो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं और मोबाइल ऐप्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स को सेव करती हैं. ओके एंड प्रेफरेंसेज विदाउट हिज डायरेक्ट इनपुट, और उसकी प्रेफरेंसेज को वो सेव करती हैं. राइट ओके ऑफन फॉर पर्पस लाइक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. और ये मोस्टली किस लिए किया जाता है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए. जिस टाइप की डेटा को आप ब्राउज करोगे वैसे ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएंगे. ओके Now discuss the implication of both active and passive digital footprints for Alex online privacy and security. तो आपको बताना है जो एक्टिव और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स एलेक्स छोड़ रहा है ऑनलाइन. ओके तो उसका उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्प्लीकेशन मीन्स प्रभाव. ओके तो इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट फॉर एलेक्स ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर एलेक्स एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में एक्सपोज हिम टू प्राइवेसी रिस्क इफ ही शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिकली. अगर वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर कर रहा है. ओके तो ये क्या है, ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, यहाँ पे उसके लिए उसकी प्राइवेसी को रिस्क है. ओके his passive digital footprint when mishandled can lead to data privacy concerns and potentially put his personal information at risk, emphasizing the need for cautious online behavior and data protection measures. ओके तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में अगर वो किसी वेबसाइट पे जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फाइन, या किसी ऐप को यूज कर रहा है, वहां पे वो अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है अनइंटेंशनली विदाउट नोइंग इट, के वो क्या हो सकता है, मिस हैंडल हो सकती है, उसका मिस यूज हो सकता है. तो ये क्या है, ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का प्रभाव है. With references to 3Rs, describe 3 essential approaches to manage the electronic waste. आपको बताना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसकी कौन सी 3Rs approaches हैं. ओके ऑल्सो प्रोवाइड प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ईच अप्रोच. आपको ये भी बताना है कि लोग इन प्रैक्टिस में कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके तो आपकी फर्स्ट जो आपका R है वो क्या है, रिड्यूस. इंडिविजुअल्स कैन मिनिमाइज ई वेस्ट बाय मेकिंग माइंडफुल परचेसिंग डिसीजंस. ओके तो ई वेस्ट को लोग मिनिमाइज कर सकते हैं माइंडफुल डिसीजंस लेके. राइट सच इज बाइंग लॉन्गर लास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ओनली एक्वायरिंग व्हाट इज जेन्युइनली नीडेड. कैसे, जैसे मान लो आपको मोबाइल फोन लेना है, आप ऐसा मोबाइल फोन मत लो जिसके फीचर्स आपको बाद में पसंद ना आए. ओके और आप उसको विद इन 6 months क्या करें, उसको चेंज कर दें. राइट। और उतने ही आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें जिनकी आपको ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपने 2 लैपटॉप्स ले रखे हैं, आपने 4 मोबाइल ले रखे हैं, फिर आपने 2 टैबलेट ले रखे हैं। तो यहाँ पे क्या अननेसेसरी आपने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है, राइट। तो इसको आपको रिड्यूस करना चाहिए। For example, opting for modular smartphone with replaceable components can extend the lifespan of the devices. आपको ऐसे मॉड्यूलर स्मार्टफोन लेने चाहिए जिनके कंपोनेंट्स क्या हो, रिप्लेस हो सकें। कोई भी कंपोनेंट खराब हो आप उसको रिप्लेस कर सकें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का लाइफ स्पेन इंक्रीज हो जाएगा और उनका बहुत ज़्यादा यूज़ रिड्यूस हो जाएगा, right. Okay, now second one is reuse. Increasing the reuse of electronic devices involves selling, donating or trading in old gadgets, right. यहाँ पे आप electronic devices को reuse कर सकते हो। Instead of dumping them, आप उनको reuse कर सकते हो, आप उनको sell कर सकते हो, बेच सकते हो, किसी को donate कर सकते हो जिसको जरूरत हो, या फिर जो लोग old gadgets का trade करते हैं, व्यापार करते हैं, आप वहाँ पे अपने device को sell off कर सकते हो, okay. फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल कैन रिफर्बिश एंड सेल देयर ओल्ड लैपटॉप्स टू एक्सटेंड देयर यूज। जैसे कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को रिफर्बिश मीन्स दोबारा से उसको रेनोवेट करके सेल कर सकते हैं जिससे उनका रीयूज हो सके। Now, to recycle e-waste responsibly, individuals can participate in e-waste recycling program. ठीक है, तो recycle करने के लिए लोग recycle program में participate कर सकते हैं या फिर drop off centers में अपने electronic devices को दे सकते हैं जहाँ पे उनको recycle किया जाता है। For instance, recycling old cell phones at designated collection points prevents them from ending up in landfills. जैसे कि यहाँ पे example लिया गया है कि आपने अपने old cell phones को जो कुछ डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, अगर आप दे दें, कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कुछ जगह बनाई जाती है जहाँ पे आप अपने ओल्ड सेल फोन्स को दे सकते हो, राइट। वहाँ पे उनको रिसाइकिल किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि लैंडफिल्स, जो बहुत ज़्यादा लैंडफिल्स होते हैं, वो अवॉइड किए जा सकते हैं। लैंडफिल्स क्या होता है, लैंडफिल्स में आप कुछ स्पेस, कुछ लैंड्स को डिग करके, मतलब गड्ढे बना के वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो उसको बरी किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, तो ये अवॉइड किया जा सकता है। फाइन, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।